बैक टू द माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो अभी बज रहा है सुबह के 7 और आप देख सकते हैं मेरे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और अभी आपको ना थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मेरे रूम पर पूरी धूप आई हुई है सुबह सुबह के टाइम पर। मैंने आपको बोला है कि हमारे रूम में आती है धूप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कमरा कितना बिखरा हुआ है मेरा, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मुझे काम करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा रूम कितना गंदा हो रखा है। सुबह सुबह ही देखिए लोग लग गए हैं पजल के खेल में, और यहाँ पे पूरे शूज पूरे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए हैं। ये कपड़े इन लोगों के थे जो कल इन्होंने बर्थडे में पहने हुए थे। अभी इनको मैं मशीन में वॉश तो नहीं कर सकती, इन कपड़ों को मैं हाथ से ही वॉश कर लूँगी। ये हैं सारे कपड़े। और उसके बाद जो मैंने बेडशीट निकाल रखी है उसको वॉश करना है क्योंकि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रखी है। और जैसे कि अब आने वाली है होली, तो थोड़ा बहुत होली की भी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम और लग जाते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब शुरू करते हैं अपना डेली का काम। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर लिया था कपड़े को वॉश करना। जो भी कपड़े, मतलब जो वॉशिंग मशीन के कपड़े डेली यूज़ करने के लिए, वो तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, बट जो अथर्व आदि के न्यू कपड़े थे उसको मैंने हाथ से वॉश करने की सोची। एक्चुअल में क्या था ना कि इन लोगों ने, मतलब जब से स्टार्ट हुआ इनका बर्थडे तब से लेकर जब तक ही रात को सोई नहीं, ही कपड़े पहने हुए थे। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ गिरा लिया था। तो होता ही ऐसा है कि बच्चे एक तो थोड़ा सा शरारती भी होते हैं और न्यू ड्रेस पहनते तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो इनको अभी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, अब गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और दूसरी बात कि अभी नए कपड़ों को मशीन में नहीं डालना चाहती हूँ मैं, तो सुखाने के लिए भी मैंने सोचा कि यहीं पर ऐसे ही सुखा लूँगी। एंड हाँ, आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अगर हम ज़्यादा देर भी कपड़ों को अगर धूप में रखते हैं ना, तो कपड़ों का कलर पूरा का पूरा निकल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी, मतलब कपड़े वॉश करती हूँ उसके एक दो घंटे में कपड़ों को उठा लूँ, क्योंकि अब यहाँ पर गर्मी होने लग गई है। हम लोगों ने भी फैंस को ऑन कर दिया। लगभग हमारा रात को भी ना 0 या 1 में तो फ़ैन चलता ही रहता है, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी गर्मी होती है और हमारे साइड में तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो फिर इसी चक्कर में हम लोगों ने आजकल फ़ैन भी स्टार्ट कर लिया। तो सिराज जी बोल रहे थे कि अब कूलर लगा लेते हैं, तो मैंने बोला कि एक दो मंथ रुक जाओ, उसके बाद लगाएंगे कूलर अप्रैल तक, क्योंकि अभी तो उतना नहीं है कूलर लगाने जैसा। बट ये है कि हाँ, आप कूलर को गैरेज से लेके आके यहाँ पे रख दें तो कम से कम ये कि सेट हो जाएगा कूलर, बाद में जब भी हमें यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे। और यही स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा बहुत सा काम। और आदि तो चला गया है स्कूल की तरफ क्योंकि उसका आज पेपर है, एंड अथव का भी पेपर है, बट अथव अभी नहीं गया, अथव जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि उसके जान तक मैं उसका घर का मैं आता काम कर ही लूँगी। और होता भी यही है कि वो अगर यहाँ पे हो तो थोड़ा बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए ना मैंने टीवी लगा ली थी और वो अभी टीवी देखने में काफ़ी बिजी था। तो अब अथव का बर्थडे भी हो चुका है, बट ये था कि ठीक रहा, जैसा भी रहा, छोटा सा बर्थडे था उसका। मेरे, मतलब मम्मी लोग भी पूछे थे कि तूने बहुत कम लोगों को बुलाया था, ज़्यादा मतलब क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला मम्मी 17 दिन बाद दूसरा बर्थडे भी आने वाला है। तो यही होता है कि इंसान एक मंथ, अगर इनका मतलब बर्थडे अलग अलग मंथ भी होता तो मैं अलग अलग सेलिब्रेट कर लेती, बट एक ही मंथ में, वो भी 17 डेज का गैप है दोनों के बर्थडे में। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, इनवाइट भी नहीं किया था। मैंने बोला आप आदि के बर्थडे में इनवाइट करेंगे। देन उसके बाद जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे अच्छे से वॉश कर लिए थे, और उनको ना मैंने ऐसे रख लिए थे, उनको मैं थोड़ी देर पर धूप पर डालूंगी। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे वॉशिंग पॉइंट में, वहाँ पे जो मेरे बेडशीट थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। पहले थोड़ा बहुत तो मैंने हाथ से भी मल लिया उनको। एक्चुअल में क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर हाथ से मल लो तो काफ़ी साफ़ हो जाती है बेडशीट, और दूसरा मशीन को भी कभी कभी साफ़ करना ही चाहिए। अब चलते हैं सीधे किचन की, और आप देख सकते हैं किचन कितना बिखरा हुआ। एक साइड पर मेरा कुकर है, दूसरे साइड पर मेरा डिनर सेट है, मतलब सब कुछ नीचे रखा हुआ था। तो अब सेट तो करना था क्योंकि खाना हमारा बन चुका था, खाना हमने खा लिया था, बर्थडे हमारा ख़त्म हो चुका था। अब हर सामान को उसके उसकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी था, वरना वैसे भी किचन थोड़ा सा छोटा है तो और भी ज़्यादा इंगेज हो जाता है। तो अभी जितना भी यही डिनर सेट का मेरा सामान था, मैंने सब के सब को ऊपर सेल्फ में रख लिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको बहुत बार बोलूँगा किचन काफ़ी छोटा है तो इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी किचन भी लगभग मैंने बस सुबह साफ़ कर लिया था। देन उसके बाद अभी ये जो नॉर्मल सामान मैं रख रही हूँ उनको रखते टाइम फिर किचन थोड़ा सा और मैसी हो ही चुका था, और हो भी जाता है क्योंकि सामान यहाँ से वहाँ रखना, फिर थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसे में था। और फिर जो मेरा पेस्ट था वो भी सब मैंने फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, तो मैंने बोला वो भी रख लेते हैं। और अथर्व देखिए कितने आराम से एकदम
टीवी देखने में बिजी था, तो आज मैं मॉप की सहायता से भी पोछा नहीं लगाया, क्योंकि अभी तो काफ़ी गंदा हो रहा था अंदर, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बच्चों ने बहुत बहुत खेला, बहुत मतलब उधम मचाई। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे जब बैलून फोड़ते हैं, केक खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब मतलब ज़मीन में गिर जाता है और फिर उसी पर चलते हैं तो चिपक जाता है। और देखिए अथर्व ने ना सारा अपना जो हैप्पी बर्थडे का इसका वो लगा रखा था, मैंने वो भी तोड़ दिया। एंड बोल रहा था कि दादा के बर्थडे में लगाएंगे, मैंने कहा ठीक है। फिर जो जो मैंने झालर लगा रखे थे ना, अथर्व क्या कर रहा था ना, झालर को पकड़ के अपने गले पे लपेट रहा था। हालांकि होता तो क्या टूट जाता है, बट वो जो इसका रेड कलर है ना, पूरे अथर्व के गले में लग गया, बहुत गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में जब पोछा लगा लिया था, फिर अथर्व को नहलाया, देन उसके बाद मैंने उसको स्कूल भेजा था। अथर्व भी स्कूल चला गया और आप देख सकते हैं अब मैं लगभग सारा काम हो चुका था। तो मेरा लास्ट काम था कि मुझे अपनी बेडशीट को अच्छे से बिछाना था। मैंने पोछा लगाया, देन उसके बाद मैं गई थी शावर लेने के लिए। एंड शावर लेने के बाद मैंने सीधे बेडशीट ही बिछाई, और बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैंने घर का जो लंच का टाइमिंग था, लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में क्या था कि लंच थोड़ा बहुत तो बचा था, पनीर थोड़ा बहुत बनाना था, क्योंकि ना कल बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कड़ी चावल बनाएंगे, तो यही सोच रखा था। तो आज यही सोच रही हूँ कि यही बनाऊंगी और पहले घर का सारा ये काम निपट लेती हूँ। उसके बाद होता यही है ना कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि घर काफ़ी मैसी हो रखा था और बहुत सारा सामान फैल रखा था। सुबह तो मैंने सिर्फ आपको एक रूम दिखाया था और ऐसे मेरे सारे रूम फैल रखे थे, और फिर रात को सब थके हारे ऐसे ही सो गए थे। तो फिर अभी लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैंने आजकल अब निकाल लिए कॉटन की बेडशीट, और जो मेरी उलन की बेडशीट थी वो मैंने सारी की सारी रख ली है। और अब मैं यहाँ पे से अच्छे से जितने भी मेरे टॉवल्स थे उनको ठीक से रख लूँगी और अपना बेडरूम एकदम साफ़ सुथरा कर लूँगी। हाँ, ये तो हो चुका है घर का सारा काम खत्म। और काम खत्म करने के बाद जस्ट मैं अभी आ रखी हूँ सावर लेके, एंड उसके बाद अब यही है कि आज सुबह से मतलब काम काम बहुत ज़्यादा काम हो गया था। बट होता भी है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम सेलिब्रेशन छोटा करें या बड़ा करें तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो रहता ही है, क्योंकि पहले सोचते हैं कि कैसे करें, फिर हो जाता तो बोलते आप कैसे सफाई करें। तो इस चक्कर में मतलब आज मेरा सुबह का पूरा जो टाइम था वो ऐसे चला गया था। लगभग मैं 12:30 बजे तक पोछा ही घिसने में थी। एक्चुअली में 2 बार तो मैंने पोछा लगाया, क्योंकि क्या होता ना, बच्चे हैं बच्चे, कभी केक खाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद गिरा देते हैं, फिर उसी में चल देते हैं तो वो चिपक जाता है, तो उसको निकालने में पता है मैंने स्क्रबर लिया, स्क्रबर से घिसा, फिर जाके मैंने उसको अच्छे से साफ किया। और उसके बाद जो मेरे और काम थे मैंने वो किए, देन उसके बाद मैं सावर लेने के लिए गई। और मैंने आपको दिखाया ही था सुबह सुबह जो वीडियो था मेरे घर का, बच्चों के चप्पल पूरे फर्श में फैले हुए थे। मतलब ये था कि एक एक पेयर तो उनके घर के पहनने वाले थे, एक एक पेयर उन्होंने बर्थडे के दिन पहने होंगे। फिर रात को हम खुद 11 बजे तक काम ही था, फिर हम खुद थक चुके थे। ये भी नहीं कि मतलब रात को उसको सबके सबको उठा के रख लूँ, मैंने बोला कि नहीं अब जो होगा सुबह ही होगा, क्योंकि सुबह ये स्कूल चल जाएंगे तो बच्चे, फिर उसके बाद मुझे आराम से अच्छा सा टाइम मिल जाता है काम करने का। तो इसी बीच में मतलब ऐसे होली भी आ गई है, तो आप सभी लोगों को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जब होली आई गई है तो कमरे भी साफ करने थोड़ा बहुत साफ कर ही लेती हूँ, तो फिर बस मैं लगी रही। एंड उसके बाद जो बच्चों की जो न्यू ड्रेस थी उसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती थी वॉश करके, तो वो मैंने फिर वॉश करे हाथ से। तो ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गई थी। एंड शाम को का जो पनीर था वो बचा हुआ था, तो बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट में वही खिलाया। और लंच में मैंने उनके लिए नॉर्मली पाव जो होता है ना, पाव भाजी के पाव, उसमें ब्रेड लगा के, उसमें सॉरी जैम लगा के वो उनको खिला दिया था। बट वो जब गए उसके बाद ही ज़्यादा काम स्टार्ट होता है, वरना क्या होता है ना कि वो लोग घर में रहते तो कभी इस रूम पे कभी उस रूम पे जाते रहते हैं और मेरा पूरा काम खराब हो जाता है। एंड इसी चक्कर में मैंने बोला कि चलो ये जाएंगे फिर काम करूँगी, और करते करते 12:30 तक बज गया था। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, और सिरोला जी के लिए मुझे बनाना है लंच, सिरोला जी का हम सबके लिए लंच बनाना है। एक्चुअल में आज ना जैसे कल हमने ऐसा खाना खा रखा, ऑयली खाना ज़्यादा खा रखा है, तो आप सोच रहे हैं कि आज कड़ी चावल बनाएंगे, तो फटाफट से मैं कड़ी चावल ही बनाऊंगी आज। और फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम और भी बचे हुए हैं। मम्मी की साड़ी में फॉल लगाना है, क्या हुआ था ना मैंने नीचे नीचे फॉल लगाया था, ऊपर नहीं लगाया था, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं उसको भी पूरा कर लेती हूँ। तो आज तो नहीं, शायद कल परसों। और ऊपर से पता है होली का त्यौहार भी है, और अभी गुजिया भी नहीं बनाई है तो गुजिया भी बनानी है। तो उस दिन तो हम गुजिया का सामान लेके आ गए थे अतब के बर्थडे के दिन मॉर्निंग के टाइम पे, बट अभी स्टार्ट नहीं कर रखा, क्योंकि हमारे यहाँ गुजिया भी बाहर से बनाते हैं, मतलब मंडे को बनाते हैं, वेडनेसडे को बनाते हैं, फ्राइडे को बनाते हैं और संडे को बनाते हैं। तो अभी देखते हैं अब किस दिन मेरा टर्न आता है, क्योंकि ना हम लोग ऐसे रोटेट हो जाते हैं, क्योंकि गुजिया बनाने के लिए 2-4 आदमी साथ में चाहिए होते हैं, जल्दी भी बन जाता है, अच्छा भी होता है। तो अभी टर्न वाइज ही बनाएंगे कि किसका टर्न आता है, फिर जब मेरा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे एक साथ बैठ के गुजिया बनाते हैं।
तो आज का जो वीडियो था छोटा सा, यहीं पे अभी मैं इसको एंड करती हूँ। और मैं अभी बनाती हूँ कढ़ी चावल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के संग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड एक बार फिर से आपको हैप्पी होली।